उत्तर प्रदेश ऐसी पिछड़ानी है, जगह जगह बेमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया, वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब किसी उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संचालन हिस्सा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई, एक सामूहिकता का दर्शन, अफवाह और आरोप प्रत्यारोप की प्रवाह के बगैर आगे बढ़ना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं था, उत्तर प्रदेश ऐसे ही बदहाल नहीं हुआ था। जगह जगह बेमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था, वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। बाहरी चेहरा कुछ और था, उन स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश उभरा है। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब किसी उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि पहचान का संकट था। अगर ये लोग बोलते तो पहले ही चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए होते। आज पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश ने अपने आप सबको उभारा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संचाल बिछा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, एक सामूहिकता का दर्शन है। सभी लोगों ने मिलकर के, शासन प्रशासन और हर कार्मिक मिलकर के जब इन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आज परिणाम है। और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के हम अगर कार्य करेंगे तो याद रखना कि आपकी ये पहचान हमेशा बनी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इस पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है, लगातार प्रभावी ढंग से बिना किसी अफवाह और आरोप प्रत्यारोप की प्रवाह के बगैर आगे बढ़ना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। और उस परिणाम के लिए आज हम सब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देख करके एक आत्मिक संतुष्टि होती है कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वह उत्तर प्रदेश का नागरिक उससे उस उम्मीद पर खरा उतरा है और खरा उतरने का वाहक के रूप में आपको कार्य करना है, इसको निरंतरता बनाए रखना है। क्योंकि जितना कुछ हमारे पास है, ये उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक मादा रखता है, लेकिन उस दिशा में कभी सोचने का प्रयास नहीं हुआ था। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब जब इस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस अवसर पर इस संकल्प के साथ आप जाएं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतना करेंगे।